स्नेह की यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आशुतोष था आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है जी स्पॉट एनहांसमेंट या जी स्पॉट एनहांसमेंट एक ही चीज है। अभी आपको ये पता चलना चाहिए कि जी स्पॉट होता क्या है। तो जी स्पॉट एक जो जर्मन गायनेकोलॉजिस्ट हैं ग्रेफेनबर्ग, उन्होंने ढूंढा था और उनका मानना ये था कि अपनी जो फीमेल की जो वजाइना होती है उसमें उसके एंट्रेंस से करीबन 5 या 6 सेंटीमीटर पे एक ऐसा नोज वाला स्पॉट होता है जिसको छूने से उनकी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन या उनका ऑर्गेज्म या उनका जो सेक्स के प्रति जो उनका जो आनंद आने की जो प्रक्रिया है वो काफी बढ़ जाती है। तो आजकल काफी सारे लोग जी स्पॉट एनहांसमेंट करवा रहे हैं। ये जी स्पॉट एक्चुअली साइंटिफिकली है या नहीं वो आज तक प्रूव नहीं हो पाया है, लेकिन जी स्पॉट एनहांसमेंट कराने वाली फीमेल्स, काफी सारी फीमेल्स उसमें से अपने को अच्छे ऑर्गेज्म और सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का रिजल्ट मिला है वैसा बोलती है। क्योंकि ये हो सकता है कि सही में वहां पे कोई नर्वस टिश्यू हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ये प्रोसीजर कराया तो उनका मेंटल सेटिस्फेक्शन भी काफी अच्छा हो गया हो। तो क्योंकि ये सेक्स आप जानते हैं कि एनाटॉमी के साथ में काफी सारा ये मेंटल भी इसमें आपका रिएक्शन काम में आता है। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं प्रोसीजर से तो आपको ऑर्गेज्म अच्छा आता है, आप एंजॉय अच्छे से कर सकती है। जी स्पॉट एनहांसमेंट के लिए हमारे पास फैट ट्रांसफर की जो सर्जरी होती है मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, लेकिन वो आप करवा सकते हैं। और अगर आप नॉन सर्जिकली जी स्पॉट एनहांसमेंट करवाना चाहती है तो हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स होते हैं जो हम वहां पे आपके जो जी स्पॉट है उस पे एनहांस कर देते हैं। जी स्पॉट एनहांसमेंट से काफी सारी फीमेल्स ऐसा मानती है कि उनको फायदा हुआ है। तो अगर जी स्पॉट एनहांसमेंट आप करवाना चाहते हैं तो वो सेफ प्रोसीजर है, उसमें कोई आपको रेस्ट नहीं लेना पड़ता है, उसमें कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ती है और आप नॉर्मली अपनी एक्टिविटीज चालू रख सकती हैं और सेक्सुअल लाइफ भी एंजॉय कर सकती हैं। तो अगर आपको जी स्पॉट एनहांसमेंट के बारे में कोई भी इंक्वायरी है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में आपको दिए जाएंगे, उसके ऊपर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।